सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट 2023 की जो अभी पोस्ट अपकमिंग है उससे रिलेटेड, जो उसमें जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन रहता है, ठीक है, उसका आज हम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, दैट हाउ टू टैकल इंग्लिश सेक्शन इन आरबीआई असिस्टेंट 2023 एग्जाम, राइट। तो मोस्टली अगर हम बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करें तो इसमें जो पैटर्न थोड़ा सेम सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें हम इस सेशन में आज हम कवर करेंगे कि इसमें इंग्लिश का क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, राइट। तो वो सारा आज इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है आरबीआई असिस्टेंट 2023 इंग्लिश स्ट्रेटेजी, राइट। तो एज वी नो कि ये पोस्ट बहुत ही जल्दी आने वाली है, ठीक है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है हमें, ठीक है। और आगे जाके फिर इसके सेशंस जो है यूट्यूब पे भी रहेंगे। तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको क्वांट भी बोला जाता है, राइट, ये इसमें रहता है। और फिर आपका जनरल अवेयरनेस और वी कैन से जीए, ये वाला सेक्शन आएगा इसमें, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज इसमें रहता है, जिसको आज हम टिपिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश, कि प्रीलिम्स में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश सेक्शन के टिपिकली, राइट। तो उसको देखेंगे। और रीजनिंग एबिलिटीज के एग्जाम में रहता है, इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो अदर एग्जाम्स भी, जैसे एसबीआई भी लेता है आपका, आईबीपीएस पीओ होता है, तो आरबीआई असिस्टेंट। तो थोड़ा सिलेबस का अगर देखें पैटर्न तो थोड़ा सेम सेम है, लिटिल बिट इसमें थोड़ा डिफरेंस बनता है हमारा मेन्स में जाके, राइट। तो प्री की अगर बात करें तो ये चार सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। और मेनली अगर हम बात करें तो आज हम देखेंगे इंग्लिश स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा, मतलब वी कैन से काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन। तो अगर हम बात करें तो इसमें भी काफी बच्चे लैग करते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें रहते हैं तो वो सारे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन की अगर बात करें तो आपके बैंकिंग के मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं इसमें ये सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आरसी भी बोलते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अपने आप में ही बोलता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, कॉम्प्रिहेंड से वर्ड बनता है, जिसका मतलब टू अंडरस्टैंड होता है बेसिकली, राइट। सो कॉम्प्रिहेंड द वर्ड इटसेल्फ सेज, यहाँ पे आपकी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रीडिंग स्पीड प्लस योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। पहली बात तो आपकी यहाँ पे रीडिंग होनी चाहिए और साथ साथ उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब बैंकिंग के एग्जाम्स में आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीवियस अगर आप पीवाईक्यू चेक करोगे तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको कौन सी न्यूज के साथ टच में रहना है, इकोनॉमिकल न्यूज, राइट, करंट, जो बेसिकली जो करंट हैपनिंग्स है उसके साथ आपको टच में रहना पड़ेगा। जैसे ऑन द अदर हैंड हम एसएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल होता है, एसएससी होता है, सीपीयू होता है ना, सीएचएसएल होता है, वो थोड़ा स्टैटिक चीजों पर वर्क करता है। वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, कोई हिस्ट्री का पूछ लेगा पुराना पैसेज, राइट, या किसी फाइट के ऊपर आ सकता है। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम्स में आपको ट्रेंडिंग इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। तो ये करंट हैपनिंग्स के ऊपर ज्यादा चीजें पूछता है, आरबीआई असिस्टेंट की भी बात करें तो आपको थोड़ा यहाँ पे इकोनॉमिकल न्यूज पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिकल न्यूज, क्योंकि जिस तरह के आप आर्टिकल रीड करोगे ना, आपको मतलब वहां पे वोकेबुलरी भी आपकी वैसे ही इंप्रूव होती चलेगी। तो बिजनेस वोकेबुलरी आपको एनहेंस करनी पड़ेगी। जैसे प्राइस बढ़ती है तो हम वहां पे राइज का यूज करते हैं, प्राइस राइज बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल लैंग्वेज में वहां पे हाइक वर्ड यूज होता है, राइट। तो इकोनॉमिकली मतलब प्राइस हाइक हो गया, तो बिजनेस वोकेबुलरी, बिजनेस वोकैब आपको इंप्रूव करनी है। जैसे इकोनॉमिकल टाइम्स करके आता है ना, बिजनेस वोकैब, तो फिर आगे जाके जब हम इस पे टिपिकली सेशंस करेंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे टोन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर, बैंकिंग के एग्जाम्स में टोन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ऑथर की टोन क्या है। टोन मीन्स सेंटिमेंट्स होता है, कि ऑथर का सेंटिमेंट क्या है, रेवरेंट टोन है, इरेवरेंट टोन है, बहुत सारी, देर आर सो मेनी टोन्स। तो कुछ आपको कुछ एक टोन्स के ऊपर भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए कि बहुत सारी टोन्स होते हैं, क्रिटिकल कौन सी टोन होती है, एनालिटिकल टोन कौन सी होती है। तो पहली बात आपको इकोनॉमिकल न्यूज यहाँ पे पढ़नी है, सेकंड थिंग आपको यहाँ पे बिजनेस न्यूज पढ़ोगे तो बिजनेस वोकेबलरी आपकी एनहेंस होगी। कुछ बिजनेस वोकैब मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा जब सेशंस दूंगा आगे, ठीक है, वो करंट आपकी बिजनेस वोकेबलरी ही होगी। तो जब आप उस पर काम करोगे तो कहीं ना कहीं पैसेज को आपको अंडरस्टैंड करने में, मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे आपको कौन सी न्यूज, ट्रेंडिंग इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, ट्रेंड क्या चल रहा है,
स्टैटिक इंग्लिश नहीं पूछता है, आरबीआई असिस्टेंट भी आपका स्टैटिक चीजों पे काम नहीं करता है। ये बैंकिंग जो सेक्टर है ये काफी अपडेटेड सेक्टर है, बड़ा डायनेमिक जॉब्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट नॉलेज चाहिए, क्या हो क्या रहा है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है ना, क्या फेर बदल हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल न्यूज, बिजनेस वोकैबुलरी, ट्रेंडिंग इंग्लिश पे आपको काम करना है, यहाँ पे स्टैटिक चीजों पे काम नहीं करना है, ठीक है। आपको डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं बेसिकली ये, हम ये बोल सकते हैं कि बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपकी आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे आपको ग्रामर का यहाँ पे थोड़ा कम नॉलेज भी है, बट अगर आपकी यहाँ पे समझ शक्ति है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर है, तो यू कैन इजिली टैकल द पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप इजिली कर सकते हो, मीन्स डेली रूटीन में आपको बुक्स ही नहीं पढ़नी है बल्कि आपको न्यूज़पेपर भी रीड करना है, ठीक है। तो बच्चे आजकल की डेट में जो है पढ़ते नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं रीड करते हैं, जबकि आपको डेली हाफ एन आवर कम से कम डिवोट करना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग को। इट विल एनहेंस योर थ्री थिंग्स, आपके रीडिंग स्किल्स एनहेंस होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, प्लस आपकी वोकेबलरी वाला सेक्शन भी डेली रूटीन में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां से आप देखोगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिर न्यूज़पेपर में रिपीटेड मैनर्स में रिपीट होते रहते हैं आर्टिकल्स के अंदर। अगर आप द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ते हो या आप ट्रिब्यून का कोई भी आर्टिकल एडिटोरियल पेज पढ़ोगे, ठीक है। सो इसको आप अपनी हैबिट के अंदर लेके आओ इन चीजों को। हमें चीजें तभी तक टफ लगती हैं जब तक हम उनको मतलब उसमें हाथ नहीं डालते। जब आप उस चीज को डेली रूटीन में पढ़ोगे तो इजिली वो आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगा, ठीक है। और आप एग्जाम में भी क्या होता है फिर कॉम्प्रिहेंशन को इजिली टैकल कर पाओगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अकेला यही क्वेश्चन मतलब आपको पास करवा सकता है, जो कट ऑफ जाती है, राइट। तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, जितनी कट ऑफ इंग्लिश की जाएगी तो सिर्फ इसमें आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को ही पार नहीं करना होता बल्कि आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी पार करना होता है। तो अगर आप ये लेके चल रहे हो कि मुझे तो सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को पार करना है, दैट्स इट, तो आप ओवरऑल कट ऑफ को पार कैसे करोगे, है ना। तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि ट्रेंड ऐसे भी अब बैंकिंग एग्जाम्स में थोड़ा घूमता है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट की बात करें कि आपका रीजनिंग का लेवल बहुत टफ आ जाए, मॉडरेट टू टफ लेवल के रीजनिंग आ जाए, रीजनिंग इसमें पजल्स आते हैं काफी अच्छे लेवल के, क्वांट में भी मॉडरेट टू टफ आ जाए, लेकिन इंग्लिश आपका इजी टू मॉडरेट आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। दो तीन साल से यही ट्रेंड चल रहा है। अब जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा होगा वो तो वहां पे मार्क्स ले जाएगा और ओवरऑल कट ऑफ को पार करने में इंग्लिश उसकी काफी वहां बेनिफिट करेगी उसको, राइट। तो ये टेक फॉर ग्रांटेड आप किसी को नहीं ले सकते, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, ये तो तीन पहिए हैं जी, है ना, तीन पहिए। इन तीनों पहियों की आपको जो है हवा पानी चेक करनी पड़ेगी। अगर एक पहिया भी आपका वीक है ना तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी आगे, मूव नहीं करेगी वो, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टोन वाले पैसेजेस, इन्फ्रेंस बेस्ड, जब आप फिर मेंस में जाते हो तो वहां पे फिर आपको थोड़ा हाई लेवल रीजनिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। अजम्पशन बेस्ड कैसे सॉल्व करोगे, कंक्लूजन बेस्ड पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करोगे, वो थोड़ा फिर अगली अप्रोच होती है, ठीक है। तो इसको हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक अपनी हैबिट बनाइए कि मुझे डेली रूटीन में कुछ ना कुछ रीड करना है, ठीक है। और इकोनॉमिकल न्यूज आपको पढ़नी है, बिजनेस न्यूज के टच में रहना है। जैसे न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो मैगजीन पेज होता है, एडिटोरियल पेज होता है, बिजनेस पेज होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या फेर बदल हो रहे हैं वो वाली न्यूज के साथ आपको टच में रखना है अपने आप को जब तक एग्जाम नहीं होता आपका, राइट। तो आपको काफी हेल्प होगी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, पैराजम्बल्स जिसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो पैराजम्बल्स पूछा जाते हैं इसके अंदर, तो रीअरेंजमेंट को करने के ट्रिक्स होते हैं, हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स, ठीक है। इसमें बैंकिंग के एग्जाम्स में रीअरेंजमेंट सबसे टफ लेवल की जम्बलिंग इसी के अंदर आती है। जैसे रीजनिंग में एक आपको पजल्स आते हैं, सिमिलरली इंग्लिश का एक तरह से पजल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको ना तो ओपनिंग मेंशन होती है ना ही आपको एंडिंग मेंशन होती है, यू हैव टू अरेंज ऑल द स्टेटमेंट्स ऑन योर ओन, राइट। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी रखा जाता है कि पहले ऐसे नहीं बोलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस ढूंढो फिर सेकंड, उसमें पहले बोलेगा विच कुड बी द फोर्थ सेंटेंस, फिर बोलेगा विच कुड बी द सेकंड सेंटेंस, विच कुड बी द फिफ्थ सेंटेंस, मतलब उसको भी वहां पे भी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बनाता है। सो हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स, नो डाउट इसके लिए आपका ग्रामर भी आपको काफी हेल्प करेगा। तो ग्रामर जिस बच्चे का जितना अच्छा होगा वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके एज देगा। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी कई ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बनते हैं जहां पे आपको ग्रामर भी काफी हेल्पफुल होता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे फुल नेम हाफ नेम कॉन्सेप्ट चलता है, डेफिनेट आर्टिकल वाली स्टेटमेंट को पहले लिखा जाता है या इनडेफिनेट स्टेटमेंट आर्टिकल वाली स्टेटमेंट को पहले लिखा जाता है, तो ये सारा आपको ग्रामर के बेस्ड के ऊपर, डिग्रीज का कैसे सिक्वेंस बनता है, कौन से डिग्री वाली स्टेटमेंट पहले लिखी जाती है, फिर यहाँ पे पेयरिंग वाला स्ट्रक्चर चलता है कि पेयर आपको फॉर्म करने पड़ते हैं रीअरेंजमेंट के अंदर, कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, और जिस बच्चे का ग्रामर में कंजंक्शंस चैप्टर सबसे अच्छा है, जिस बच्चे की कंजंक्शन पे अच्छी पकड़ है, राइट, कंजंक्शन, उसको रीअरेंजमेंट करने में काफी हेल्प होगी, क्योंकि कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, और जब भी हम रीअरेंजमेंट की बात करते हैं पैरा जंबल्स जैसे आते हैं एग्जाम में, तो ये मोस्टली देखा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा स्टेटमेंट्स यहाँ पे कंजंक्शंस की मिलेंगे, रीअरेंजमेंट के अंदर कंजंक्शंस के सेंटेंसेस सबसे ज्यादा मेंशन होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे मोर ओवर से स्टार्ट करेगा, हाउएवर वाली स्टेटमेंट्स ज्यादा मिलेंगी, हेंस डज नॉनदलेस नॉटविथस्टैंडिंग, थोड़े हायर लेवल के कंजंक्शंस, डाउट डाउटेड डाउटफुल मोर ओवर, है ना, तो बहुत सारे सेंटेंस आपको यहाँ पे कंजंक्शंस वाले मिलते हैं पैराजंबल्स के अंदर। अब जिस बच्चे को कंजंक्शंस के फंक्शंस नहीं पता है, ठीक है, जिसको ये नहीं पता है कि सो दैट का काम क्या है, इनस्पाइट ऑफ का क्या काम है, इनस्पाइट ऑफ क्या करता है, डिस्पाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या हम उसके थ्रू अजम्पशन लगाते हैं, रीजन कर देते हैं, जैसे बिकॉज के थ्रू, सिंस के थ्रू, एज के थ्रू हम रीजन बताने का काम करते हैं, इनस्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट है आपका, नंदलेस है, नॉट विदस्टैंडिंग है, ये ऑल आर, बट है, हाउएवर है, राइट, इनके थ्रू हम कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। तो पहले आपको कंजंक्शन का अच्छा नॉलेज होगा, कंजंक्शन लिंक करता है रीअरेंजमेंट के साथ, जिस बच्चे का ग्रामर में जितनी पकड़ कंजंक्शन पे होगी वो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो ग्रामर सिर्फ आप ये मत सोचो कि एरर की फॉर्म में आएंगे, भी 5 क्वेश्चन मुझे एरर्स के आने हैं ग्रामर पे और कुछ नहीं होता, ग्रामर हर जगह कनेक्शन बनाता है, तो रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको कनेक्टर्स का आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज ऑफ कंजंक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा कंजंक्शन कैसे लिंक करता है, उसके थ्रू हम रीअरेंजमेंट को टैकल करते हैं एग्जाम में, राइट। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा इसके ऊपर पर्टिकुलर क्लासेस रहेंगी, तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कंजंक्शन चैप्टर अच्छा होगा तो आप इसको सॉल्व इजिली करने लग जाओगे, और ये इसकी जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस जब आपको मैं इसकी थ्योरी प्रोवाइड करूंगा तो एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बैंकिंग के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शंस में आते हैं उसके लिए आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको एक आर्टिकल रीड करना पड़ेगा, एक से दो जंबल सॉल्व करने पड़ेंगे डेली रूटीन में, ठीक है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, जैसे इधर का पेयर और है भाई डायरेक्ट एरर आ जाएगा आपको, यहाँ पे जो एरर ओमिशन के क्वेश्चन भी आएंगे वो भी थोड़ा इकोनॉमिकल लहजे में पूछेगा, करंट हैपनिंग से रिलेटेड आपको इकोनॉमिकल एरर्स पूछेगा, राइट, वो करेंगे फर्दर सेशंस में, तो ये मैंने थोड़ा बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्लोज टेस्ट, राइट, अब क्लोज टेस्ट करने के लिए आपको ग्रामर का कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका लिंक इसके साथ बनता है, तो क्लोज टेस्ट, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स आप तब इजिली टैकल कर पाओगे, मतलब इन द सेंस कि आपकी काफी हेल्प करेगा वो चैप्टर अगर आपकी उस पर पकड़ है। पार्ट ऑफ स्पीच का जो चैप्टर रहता है प्रेपोजिशंस, जितने आपके प्रेपोजिशंस अच्छे होंगे तो आपको सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स और क्लोज टेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर। तो प्रेपोजिशंस जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे सपोज यहां पे ऐसे ब्लैंक आ जाएगा, यहां इन दे देगा आपको, है ना, फिर आपको 4 ऑप्शंस देगा ए बी सी डी, भाई आपको डालना है यहां पे। अब मान लो ये ऑप्शंस में कुछ भी दे देता, एक ऑप्शन में दे देता आपको अशर, अब आपको पता है कि यार बाकी जो वर्ड्स हैं उनके डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगती है लेकिन यहां पे इन लग रहा है और अशर के साथ इन लगता है, तो आपको ये अदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगा कि यहां पे अशरिंग इन होता है, और ये वर्ड काफी न्यूज़पेपर में मिलेगा जब न्यू ईयर आता है, हैप्पी न्यू ईयर जब आता है तो जैसे लोग न्यू रेजोल्यूशंस लेते हैं, है ना, कि मैं इस साल मेरी ये कमियां रह गई है तो मैंने नए साल पे मतलब इस फर्दर जो ईयर स्टार्ट हो रहा है उसमें मैंने इन कमियों को ओवरकम करना है, ठीक है, मेरी बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, इनको मैंने इंप्रूव करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन लेना। लोग कस्में खाते हैं, स्वेयर्स,
लोग खुद से प्रोमिसेस करते हैं, ओथ लेना, ओथ मतलब शपथ लेना, तो उसी को अशरिंग इन भी बोलते हैं। अशरिंग इन न्यू ईयर टू ब्रिंग चेंज, बदलाव लेके आना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ब्लैंक फिलर के तौर पे भी आता है। तो प्रेपोजिशंस का अगर आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे यहां पे काम करना पड़ेगा, और क्लोज टेस्ट में मेनली जो चेक करता है एग्जामिनर वो यही चेक करता है कि क्या आपको कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी का नॉलेज है। कॉन्टेक्चुअल वोकैब होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सी भी देखना होता है, लुक भी देखना होता है, लुक एट भी देखना होता है, लुक वैसे दिखना होता है, लुक देखना नहीं होता, लुक दिखना होता है। शी लुक सैड, इट मीन्स शी सीम्स टू बी सैड या शी अपीयर्स टू बी सैड, राइट। लेकिन लुक एट देखना होता है, फिर वॉच इज ऑल्सो देखना, तो मतलब वॉच लुक एट और सी का मीनिंग तो सेम है, बट तो क्या मतलब इनके कॉन्टेक्स्ट सेम है? जहां पे वॉच वॉचिंग टेलीविजन है तो क्या हम वहां लुकिंग टेलीविजन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो आपको पता है कि ओपन आई से हम जो भी देखते हैं वहां सी यूज करते हैं, है ना, ओपन आई से मैं जो भी देख रहा हूं वो सी है। तो ये नॉलेज यहाँ पे क्लोज, देखो नाम ही है क्लोज टेस्ट, तो वोकैबुलरी का एक क्लोज टेस्ट करता है एग्जामिनर यहाँ पे, वेदर ही और शी हैज द राइट नॉलेज ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और नॉट। क्या आप ये जानते हैं कि किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होता है या कंसर्टेड एफर्ट्स होता है। बिहेवियर के लिए हम क्या बोलेंगे, स्टबर्न बिहेवियर होता है, ऑब्ड्यूरेट बिहेवियर होता है। तो कैसा बिहेवियर होता है, बिहेवियर के साथ हम ऑब्ड्यूरेट लगाते हैं, जिद्दी, जिद्दी बिहेवियर को ऑब्ड्यूरेट बिहेवियर बोलते हैं, राइट। तो पॉलिटिकली हम सगेसिटी यूज करते हैं, सगेसिटी मीन समझ बूझ होती है, ठीक है, विजडम होती है। तो ये आपको क्लोज क्लोज ऑप्शंस देगा, जब वो चार ऑप्शन देगा वहां पे पेपर में, तो आपको यहां मॉब दे देगा, पैसेज ऊपर चल रहा होगा टेक्स्ट, बीच में वर्ड्स को लेफ्ट आउट कर देगा, फिर आपको यहां पे क्राउड दे देगा, फिर आपको यहां पे कॉन्ग्रीगेशन दे देगा, राइट, और फिर आपको यहां पे डी में होर्ड दे देगा, एच ओ आर डी। अब इन सारे शब्दों का मतलब क्राउड ही होता है, भीड़ ही होता है, बट इन सारे वर्ड्स के जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। अब आपको पैसेज का नेचर देखना पड़ेगा कि जो ऊपर पैराग्राफ दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसको रीड करना है। जब मैं क्लोज टेस्ट कराऊंगा तो वहां पे हम ट्रिक्स भी करेंगे कि पहले हमें पैसेज को रीड करना होता है, आफ्टर दैट हमें अपने ऑप्शंस को लगाना होता है। कभी भी एक लाइन पढ़ के आप अपना वर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ ऐसी हिडन बातें होती है, वो तभी पता लगती है जब आप उसको एक बार रीडिंग दोगे पैराग्राफ को, राइट। तो अब आपको पैसेज का नेचर देखना पड़ेगा कि पैसेज किस दिशा में चल रहा है, किस तरह का पैराग्राफ है। क्या उस पैसेज में जब भीड़ के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, क्या वो रियॉट्स वाला पैसेज है, ठीक है, कोई दंगे वाली बात हो रही है उसमें, रेज की बात हो रही है, गुस्से की बात हो रही है, जैसे पथराव होता है, स्टोन पेल्टिंग के केसेस आते हैं भाई उत्तर प्रदेश में, उस डिस्ट्रिक्ट में जो स्टोन पेल्टिंग हुई, राइट। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, अगर रियॉट्स वाली बात हो रही है तो मॉब आएगा, क्योंकि मॉब का मतलब एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल होता है, गुस्से वाली जो भीड़ होती है ना। अगर जनरल आपको, आपने देखा पैसेज में कोई फेस्टिवल का पैसेज है, दिवाली के ऊपर पैसेज है, या कोई फेयर है, कोई कहीं पे कोई मेला हो रहा है उसके ऊपर पैराग्राफ है, तो फिर आपको वहां पे क्राउड लगाना है। ये इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल है तो मार्केट्स क्राउडेड होती हैं, हम वहां पे मॉब को नहीं यूज करते, राइट। तो ये इन जनरल यूज होता है। फिर आपको देखना पड़ेगा क्या पैसेज जो है कोई रिलीजियस तो नहीं चल रहा, क्या कोई टेंपल की बात तो नहीं हो रही, कोई रिलीजियस पैराग्राफ तो नहीं हो रहा, धार्मिक उपदेश वाली बात तो नहीं हो रही है, उस तरह से कोई भीड़ तो नहीं लगी हुई है, धार्मिक सभा, रिलीजियस गैदरिंग इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। अगर उस तरह का रिलीजियस पैसेज होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट वोकैब होती है, पॉलिटिकल वोकैबुलरी अलग होती है, रिलीजियस वोकैब अलग होती है ना, इकोनॉमिकल वोकैब अलग होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो कॉन्ग्रीगेशन इज अ रिलीजियस गैदरिंग, राइट, और आपको कोई एक्सेसिव क्राउड की बात तो नहीं कर रहा भाई। कई बार होता है कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि थोड़ी सी भी जगह नहीं होती पैर रखने की, उसको होर्ड बोलते हैं, एक्सेसिव क्राउड। तो हालांकि ऑल्दो दीज वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, बट देयर कॉन्टेक्स्ट, देयर यूसेज इज डिफरेंट, यही नॉलेज चेक करता है इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इस क्वेश्चन की जो टिप्स और ट्रिक्स बनते हैं, और सिंगल और डबल फिलर्स के जो टिप्स और ट्रिक्स बनते हैं, वो सेम थ्योरेटिकल थ्योरी पार्ट इनका सेम रहता है।
क्योंकि वहां पे एक सेंटेंस में आपको फोर वर्ड्स में से एक वर्ड डालना होता है, फिर डबल फिलर्स में एक स्टेटमेंट में आपको दो वर्ड्स डालने होते हैं, और क्लोज टेस्ट में आपको फाइव वर्ड्स डालने होते हैं, फाइव लेफ्ट आउट करता है वर्ड्स को मिडल में, राइट। तो ये नॉलेज आपको यहाँ पे देखना है, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे फर्दर क्लासेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड स्वैप। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा मेंस लेवल का पूछा जाता है, बट समटाइम्स एग्जामिनर इसको प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग, सो हाउ टू डू वर्ड स्वैप, राइट। तो जैसे एक स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे वर्ड लेफ्ट आउट करेगा, फिर उसको बोल्ड कर देगा, यहां पे वर्ड बोल्ड होगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहां पे वर्ड एक बोल्ड होगा, देगा वर्ड, यहां पे छोड़ेगा नहीं, उसको दिया होगा वर्ड आपको, फिर इसको बोल्ड किया होगा फर्स्ट वर्ड को, सेकेंड वर्ड को, फिर आगे जाके थर्ड वर्ड को बोल्ड किया होगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे तो फोर्थ वर्ड को बोल्ड किया होगा, हो सकता है कि फोर ही वर्ड्स वाला पैसेज हो, या हो सकता है कि फाइव नंबर पे भी एक वर्ड बोल्ड होगा और सिक्स पे भी बोल्ड होगा। अब ऐसे एक स्टेटमेंट में या तो फोर वर्ड्स वाला सेंटेंस पूछ सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है, सिक्स वर्ड्स वाला भी आ सकता है। अब हो सकता है इनकी जो प्लेसमेंट है वो गलत है, देखो क्वेश्चन का नाम क्या है, वर्ड स्वैप, है ना, अदला बदली बदली करनी है हमें। अब हो सकता है जो पहला वर्ड है वो फिफ्थ के साथ स्वैप हो रहा हो, मतलब जो फिफ्थ वर्ड है वो पहले नंबर पे आएगा और पहला नंबर फिफ्थ पे जाएगा, या हो सकता है सेकंड वाला फोर्थ के साथ स्वैप होगा। ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आरबीआई असिस्टेंट का या कोई भी जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे आपकी खुद की रीडिंग स्किल्स बहुत है, कोई ट्रिक्स नहीं है इसका। इस क्वेश्चन के लिए आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेंटेंस किस वे में चल रहा है। अब मान लो अगर फिफ्थ वाला वर्ड पहला वर्ड फिफ्थ पे चला जाए, फिफ्थ वर्ड पहले पे आ जाए, तो आपको पढ़ने में ही आप उसको इमिडिएटली कैच करोगे, और इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे फर्दर क्लासेस में, ठीक है। फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस बेस्ड है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलोगे आपको ऑटोमेटिकली इस पे ग्रिप बनेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस होगी और आप इजिली टैकल कर लोगे इसको। तो वर्ड स्वैपिंग टोटली वोकैबुलरी बेस्ड है ये क्वेश्चन, राइट। वोकैबुलरी कितनी सॉलिड है आपकी, और लास्ट जो क्लोज टेस्ट ये भी कॉन्टेक्चुअल वोकैब पे। अब आ जाते हैं हम कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ऐसे ऑप्शन ए होगी, है ना, फिर ऑप्शन बी होगी, फिर ऑप्शन सी दे देगा, फिर ऑप्शन आपको डी दे देगा, और यहां पे भी ए बी सी और फिर डी, चार ऑप्शन यहां ऐसे दे देगा, राइट। अब आपको यहां पे कॉलम बनाना है कि ए वाली जो स्टेटमेंट है, जैसे हम मैच द फॉलोइंग नहीं करते छोटी क्लासेस में, सेम वैसे होता है ये। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी क्वेश्चन पढ़ के नहीं होता, कॉलम बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा ही ऑप्शंस को पढ़ के निकलता है ये। अगर आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ के इसको टैकल करने की कोशिश करोगे कभी सॉल्व भी नहीं होगा ये थ्रू ऑप्शंस होना करना पड़ता है हमें। मैं बताऊंगा आपको, मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कैसे कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस को हमने हिट करना है, अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को, तो थ्रू ऑप्शंस किया जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस नहीं करना। इसके लिए हमें पहले ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है, अकॉर्डिंगली फिर हमें ट्रिक लगा के यहाँ पे अपना आंसर निकालना है। तो ऐसे कॉलम आपने मैच करने हैं, मतलब पहला सेंटेंस हो सकता है सी के साथ बन रहा हो, तो ऑप्शंस देख के हमें पकड़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन रहता है जी। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, है ना, फ्रेजल वर्ब्स पूछ लेता है, इडियम्स तो नहीं आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, बट कुछ फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछ लेता है, राइट। तो फ्रेजल वर्ब्स, और सेवंथ नंबर पे मैं एक नंबर और डाल देता हूं, दैट इज एरर डिटेक्शन, दैट इज एरर डिटेक्शन, और एरर डिटेक्शन आपकी जो है होती ग्रामर बेस्ड ही है, बट थोड़ा सा उसको इकोनॉमिकल रूप में पूछा जाता है। जैसे हम एसएससी की अगर बात करें तो वहां पे तो डायरेक्ट जैसे ईदर और नीदर और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है तो आपको ऐसा एरर दे देगा, मतलब डायरेक्ट फंडा हिट हो जाता है अगर हम एसएससी के एग्जाम की बात करें। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाइज ये ज्यादा डीप पूछता है चीजों को, ठीक है, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पूछता है, ठीक है। तो आपको एरर डिटेक्शन के ऊपर भी कुछ सिलेक्टेड एरर्स में कराऊंगा, ठीक है, जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंग्लिश का बताया कि ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही रहेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।